साथ हैं चंदन राम दास जी जो बागेश्वर से विधायक हैं, और बात करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं पूरे आप, क्योंकि शपथ भी हो चुकी है और शपथ ले चुके हैं, अब क्या रहेगा सर? सबसे पहले सर एक एक सर सर क्या 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 कहेंगे सर? सर एक मिनट कहेंगे सर, अब क्या कहेंगे सर आप? अभी फिलहाल जो है आज शपथ ली है, आगे का किस तरह से रहेगा, क्योंकि बागेश्वर काफी बड़ी सीट मानी जाती है। मुझे पार्टी ने, संगठन ने, नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री की जिम्मेदारी पहली बार दी है। पहले तो मैं अपने संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो आगे का कार्यक्रम है, जो हमारा घोषणा पत्र है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ हैं, जिन जन भावनाओं से हमको दोबारा चुन के भेजा है, उनको ठीक करने का, उनको पूरा करने का समय आ गया है। सर बागेश्वर हॉट सीट है, बड़ी सीट है, मानते हैं कि पहाड़ का दुर्गम क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, क्या कहेंगे किस तरह से काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी चुनौतियां कैसी रहेंगी वहाँ? पहाड़ों की बहुत सी समस्याएं हैं, मगर हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, अच्छी टीम है, हम इन कार्यक्रम को करके पहाड़ की इन समस्याओं का भी हल करेंगे।